मैं हूं आपका टीचर रुपेश एंड आई एम ऑल्सो फैकल्टी ऑफ माउंट लिट्रा जी स्कूल झांसी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो हमारा प्रोबेबिलिटी पे था। ये उसी का सेकंड पार्ट है, क्योंकि हम लोग पहले ये क्लास 10th के लिए जो मैंने पढ़ाया था आपको प्रोबेबिलिटी, ये सीबीएसई एंड आईसीएसई के लिए दोनों के लिए कॉमन टॉपिक था आपको, जैसा कि पता है, राइट। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर प्रोबेबिलिटी का देख लिया था, ये हमारे पास में लेक्चर 2 है उसी का, ठीक है। और जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो मेरे पहले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, और वहां पर उनको लेक्चर 1 मिल जाएगा जिसमें उनको प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी आपको वहां मिल जाएंगे, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे उसके आगे के देखते हैं प्रोबेबिलिटी में। जैसे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जैसा कि मैं पहले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। तो ये जो जिन भी बच्चों ने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन और जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता है वो लोग मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बॉल्स पे बेस्ड होंगे, डिफरेंट कलर के बॉल्स पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सेकेंडली हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं फिर कॉइंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कॉइंस पे बेस्ड क्वेश्चंस के बाद हमारे पास में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो डाइस बेस्ड होते हैं। और डाइस के बाद में हमारे पास कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस ईयर्स पे बेस्ड होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास उसके बाद में वो होते हैं हमारे पास एरिया पे बेस्ड, राइट। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस है जो हमको पढ़ने हैं इस टॉपिक के अंदर इस टॉपिक के अंदर। तो हमारे पास जो पहला टाइप का क्वेश्चन है वो बॉल्स बेस्ड है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉल्स पढ़ते हैं, राइट। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक कंटेनर है या फिर एक बैग है। बैग के अंदर हमारे पास कुछ बॉल्स पड़े हुए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मैंने 10 बॉल्स ले लिया, राइट। जिसमें से मान लेते हैं 3 रेड बॉल्स हैं, 5 हमारे पास ग्रीन बॉल्स हैं, और हमारे पास में अब 2 येलो बॉल्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास में 3 रेड बॉल्स हो गया, 5 ग्रीन बॉल्स हो गया, और हमारे पास 2 येलो बॉल्स हो गए, राइट। अब कहा जाता है इफ अ बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ऑल द बॉल्स आर ऑफ द सेम साइज। अब ये सारे के सारे बॉल्स कैसे हैं, सेम साइज के, और यू आर आस्क्ड टू सेलेक्ट अ बॉल रैंडमली विदाउट लुकिंग एट द बॉल। मतलब आपको एक बॉल को बैग से निकालना है और उसको देखना नहीं है, क्या करना है, देखना नहीं है, और बॉल के सबके साइज कैसे हैं सेम है। तो आप रैंडमली कोई बॉल निकालोगे तो आप किसी भी कलर का बॉल निकाल सकते हो। तो यानी कि आप 3 रेड बॉल में से कोई भी बॉल निकाल सकते हो, या फिर आप 5 ग्रीन बॉल में से कोई भी बॉल निकाल सकते हो, या फिर 2 येलो बॉल्स में से कोई भी बॉल निकाल सकते हो। मतलब क्या है कि आप इन 10 बॉल्स में से किसी भी बॉल को बाहर निकाल सकते हो। तो हमारे पास जो टोटल कंडीशन बन सकती है, वो हमारे पास टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब कहा जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग एट द बॉल इज अ ग्रीन बॉल। अब ये ग्रीन बॉल होगी, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, देखिए तो ग्रीन बॉल यहां पर कितनी है, 5 बॉल ग्रीन है। अब ये जो 5 बॉल ग्रीन है, इनमें से कोई भी बॉल आ जाए, इन ग्रीन कलर की बॉल्स में से कोई भी आ जाए तो सारी फेवरेबल होंगी। तो मतलब 5 कंडीशन आउट ऑफ 10 कंडीशन क्या है, हमारे लिए फेवरेबल है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 5/10, दैट इज इक्वल टू 1/2, इज इट क्लियर। अगर वो पूछता है हमारे पास व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, सॉरी नॉट गेटिंग अ ग्रीन बॉल, ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन बॉल, तो देखिए ग्रीन बॉल नहीं होनी चाहिए। अब ग्रीन बॉल नहीं होनी चाहिए इसका क्या मतलब है, ग्रीन बॉल नहीं होने का मतलब है चाहे फिर वो रेड भी हो सकती है, येलो हो सकती है, दोनों चलेंगी, बट ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर रेड होने और येलो होने की, जो हमारे पास में रेड कितनी है भाई, 3 रेड बॉल है, और येलो हमारे पास में कितनी है, 2 येलो बॉल्स है। तो यानी कि हमारे पास में यहाँ पे 5 बॉल्स है जो हमारे पास फेवरेबल है, मतलब 5 कंडीशन क्या है, फेवरेबल है आउट ऑफ 10 कंडीशन। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड और नॉट गेटिंग अ ग्रीन बॉल विल बी 1/2 अगेन। अच्छा, दूसरा तरीका जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि भाई अगर पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल, वो अगर 1/2 आई है तो नॉट गेटिंग अ ग्रीन बॉल क्या आ जाएगी, 1 माइनस ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी विल गिव यू
ग्रीन बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 1 बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाय 2 आ जाएगा और ये ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बॉल इज अ रेड बॉल। क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बॉल इज अ रेड बॉल, तो रेड बॉल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो भाई रेड बॉल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली रेड के लिए तीन ही फेवरेबल कंडीशन है, ये तीन जो रेड बॉल है यही हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, इन तीन में से कोई आएगी तो फेवरेबल, अदरवाइज नहीं है फेवरेबल। तो यानी कि हमारे पास में जो रेड बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 3/10। तो कितना आ गया आंसर हमारे पास, 3/10, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये जो बॉल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बट आप इस तरह से उनका डेटा लिख सकते हो और आराम से वो क्वेश्चन क्रैक हो जाते हैं। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइंस। तो कॉइंस पे बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से हमारे पास थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बट लेट्स सी, क्योंकि वो बहुत मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कि क्वेश्चंस कॉइंस पे बेस्ड कैसे करने हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहां पर मान लीजिए जब हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं और तीन कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है भाई। तीन कॉइन से ज्यादा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में क्लास टेंथ में नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको 4 कॉइन्स 5 कॉइन्स 6 कॉइन सबके लिए मेथड बता दूंगा, ठीक है। बट ये वाले जो क्वेश्चन है, मतलब 4 कॉइन को टॉस कराएंगे साइमल्टेनियसली, वो नहीं पूछा जाएगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक कॉइन है और कॉइन को टॉस कराया गया, ठीक है, कॉइन को टॉस कराया गया तो उसके ऊपर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। भाई फिर मैं बता रहा हूं कि भाई ये मत बोलना कि खड़ा हो जाएगा कॉइन, ये मत सोचना खड़ा हो जाएगा, वो कंडीशन कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे या तो हेड आएगा या फिर कॉइन पे क्या आएगा, टेल आएगा। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट हेड इफ अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट हेड ऑन इट। तो यहाँ पे हमारे पास में उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट हो जाएगी 1/2। क्यों हो गई, क्योंकि हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दो कंडीशन हो गई, दोनों में से कोई भी कंडीशन आ सकती है। टोटल कंडीशन कितने हो गए, 2 हो गए। हेड आने वाला कंडीशन हमारा फेवरेबल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 कंडीशन इज फेवरेबल आउट ऑफ 2 कंडीशंस, तो 1/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर। तो ये जो 1 कॉइन को जब टॉस कराया जाएगा तो उसके क्वेश्चन इजी है, और मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप अगर चाहें तो उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं, तो आपको ये एक कॉइन के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हम मूव करते हैं डायरेक्टली अब 2 कॉइन के क्वेश्चन। मान लीजिए अगर 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाए, या फिर 1 कॉइन को ही एक बार टॉस किया जाए दोबारा फिर टॉस किया जाए, मतलब 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, या फिर 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। तो देखिए क्या होगा, मान लेते हैं पहले कॉइन पे हेड आ जाए, मान लीजिए पहले कॉइन पे 2 कॉइन को आपने टॉस किया साइमल्टेनियसली, मान लीजिए एक कॉइन ये है दूसरा कॉइन है, तो मान लेते हैं पहले वाले पे हेड आ जाए तो दूसरे वाले पे क्या आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है। मान लेते हैं पहले पे हेड आए और दूसरे पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है कि भाई पहले पे हेड ही आए और दूसरे पे टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पे टेल आए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए, और फिर क्या हो सकता है भाई दूसरे पहले वाले पे टेल आए और दूसरे वाले पे भी टेल आ जाए। तो इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकती, पहले कॉइन पे हेड आएगा दूसरे पे भी हेड आ सकता है, पहले पे मान लीजिए हेड आया दूसरे पे टेल भी आ सकता है, मान लेते हैं पहले पे टेल आया तो दूसरे पे हेड आ सकता है, और मान लेते हैं पहले पे टेल आया तो दूसरे पे भी टेल आ सकता है। तो ये 4 कंडीशन हो जाएंगे हमारे पास अगर हम 2 कॉइंस को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे। अब इन कंडीशंस को देख के इनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ऐसा होगा, इफ 2 कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट नो हेड। अब हेड नहीं आएगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, हेड नहीं आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो भाई हेड किस कंडीशन में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में हेड सिर्फ इस कंडीशन में नहीं आ रहा, बाकी ये तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, हेड आ रहा है। तो दिस इज द ओनली फेवरेबल कंडीशन। अगर क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल नॉट गेट एनी हेड इफ 2 कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो हमारे पास में वहां पे नो हेड आने की कंडीशन सिर्फ एक है, तो एक कंडीशन फेवरेबल है आउट ऑफ 4 कंडीशन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। बात समझ में आया। अब अगर वो पूछता है आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट कम से कम एक हेड आना चाहिए, भाई यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पास में जो मिनिमम लिमिट है वो उन्होंने सेट कर दी कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। अगर एक हेड से कम आता है तो उसको कंसिडर नहीं करना है, बट एक हेड से ज्यादा आएंगे तो चलेंगे, क्योंकि कम से कम एक हेड आना चाहिए। बात समझना कि भाई अगर आपके पास में मान लीजिए आप किसी
क्लब में जाते हैं, मान लीजिए एक साइड एक एग्जांपल दे रहा हूं, और उसमें कहा गया है कि भाई जिसके पास में 1000 रुपए है, जो 1000 रुपए लेके आएगा उसको ही हम वहां पे एंट्री देंगे। तो एक बंदा यहां पे 1,00,000 रुपए लेके पहुंचता है, ठीक है, तो क्या इसको एंट्री वहां पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप मुझे बताएं कि क्या इसको एंट्री वहां पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, बताइए। इसको एंट्री मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी, क्योंकि लिमिटेड जो लिमिट है वो मिनिमम लिमिट उन्होंने सेट किया एटलीस्ट कम से कम 1000 रुपए, लेकिन एक बंदा जो वहां पे 500 रुपए लेके पहुंचेगा उसको नहीं एंट्री दी जाएगी। तो वैसा ही यहां पे होगा कि एटलीस्ट का जो मतलब है वो है कम से कम एक हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा होंगे तो चलेंगे, मगर उससे कम होगा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ऐसे कितने कंडीशन है जहां पे कम से कम एक हेड दिखाई दे रहा है, मुझे इसमें भी एक हेड दिखाई दे रहा है, मुझे इसमें भी कम से कम एक हेड दिखाई दे रहा है, उसमें भी मुझे कम से कम एक हेड तो दिखाई दे ही रहा है, बाकी फिर इसमें दो है तो इट हार्डली मैटर्स, राइट। तो एटलीस्ट वन हेड के लिए हमारे पास 3 कंडीशन फेवरेबल है, और ये कंडीशन है जहां पे एक भी हेड नहीं है, तो हमारे पास ये कंडीशन क्या होगी, फेवरेबल नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, 3/4, 4 कंडीशन, 3 कंडीशन आर फेवरेबल आउट ऑफ 4 कंडीशन, राइट। तो ये हमारे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट ओनली वन हेड, मतलब उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया यहां पे एटलीस्ट वन हेड नहीं बोला, उन्होंने कहा ओनली वन हेड, एक ही हेड होना चाहिए, दो हेड होंगे तो नहीं चलेंगे, जीरो हेड होंगे तो नहीं चलेंगे, एक हेड होगा तभी चलेगा। तो व्हेन टू कॉइंस, क्वेश्चन है व्हेन टू कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट वन हेड, वन हेड मतलब स्पेसिफिकली वन हेड, अब एक ही हेड होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे एक हेड होने की कितनी कंडीशन है, एक कंडीशन और दो कंडीशन, तो हमारे पास कितना आंसर हो गया, 2/4, क्योंकि 2 conditions are favorable, out of 4 conditions you can write it 1/2, is it clear? ये समझ में आ रहा है आपको? अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो होता है क्वेश्चन, जो काफी सारे बच्चों कंफ्यूज कर देता है, मैंने पढ़ाने के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये वो टर्म है जो सबसे ज्यादा बच्चों कंफ्यूज करता है, वो है एट मोस्ट, एट मोस्ट। Now, is atmost का मतलब क्या है, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी, ना क्वेश्चन आता है वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी, देयर शुड बी एटमोस्ट वन हेड, देयर कैन बी एटमोस्ट वन हेड, मैक्सिमम एक हेड हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, एक हेड हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने मैक्सिमम की जो लिमिट है वो सेट कर दी कि भाई इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे नीचे होगा तो चलेगा, अभी क्या है, इससे नीचे होगा तो चलेगा लेकिन इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक क्लास लेता हूं, ऑफलाइन क्लास मान लीजिए, ठीक है, और आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप उस ऑफलाइन क्लास में पढ़ने आते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक बच्चा 5000 रुपए से ज्यादा पॉकेट में रख के नहीं ला सकता, क्योंकि मुझे डाउट होगा भाई इतना पैसा कहां से आया बच्चे के पास, समझ में आता है। तो मैंने बार सेट कर दिया कि भाई 5000 रुपए से ज्यादा कोई क्लास के अंदर लेके नहीं आएगा अपने घर से, ठीक। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर एक बच्चा 0 रुपीज लेके आया मैं उसे क्लास से भगा दूं कि भाई जाओ तुम, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं, जाओ तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, वो मेरी फीस दे चुका है ऑफकोर्स, ठीक है। तो वो बच्चा जो 0 रुपीज लेके आता है, पॉकेट मनी है ही नहीं, इसको पॉकेट मनी नहीं मिलती है मान लीजिए, तो उसको हम नहीं भगा सकते। हमने क्या कहा, 5000 से ज्यादा नहीं लाना है, लेकिन 5000 से कम आप कितना भी ला सकते हो, आप नहीं भी लाओगे तो भी यू कैन सिट इन माई क्लास, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे एटमोस्ट का ये मतलब होता है कि जो मैक्सिमम बार है उन्होंने सेट कर दिया, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं। तो यहाँ पे आते हैं अब, जैसे हमारे पास कंडीशन बने थे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, राइट। तो अब हमारे पास में यहाँ पे कितने हैं भाई, हमने क्या कहा आपसे कि एटमोस्ट वन हेड आ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन गेट एटमोस्ट वन हेड, यू शुड गेट एटमोस्ट वन हेड। तो एटमोस्ट वन हेड में ये वाली कंडीशन फेवरेबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा हेड है। अब ये कंडीशन फेवरेबल है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा हेड नहीं है, ये कंडीशन फेवरेबल है क्योंकि इसमें भी एक से ज्यादा हेड नहीं है, और ये कंडीशन भी फेवरेबल है क्योंकि इसमें भी एक से ज्यादा हेड नहीं है, ऑल्दो इसमें हेड है ही नहीं, बट ये कंडीशन फेवर करेगी क्योंकि इसमें एक से ज्यादा हेड नहीं है। तो एटमोस्ट में कंफ्यूज मत होना है कि भाई इसमें हेड नहीं है तो इसको छोड़ देना है, इसको भी आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 conditions है फेवरेबल आउट ऑफ 4 conditions, इज इट क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ रही है, एटमोस्ट वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब मूव करते हैं 3 points की तरफ, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं 3 points की तरफ।